टेंडर्स महाराष्ट्र। इस वीडियो में हम एक पेमेंट का वेरीफाई करना देखेंगे। ई टेंडर का पेमेंट मैंने कर दिया है, लेकिन अगर वो वेरीफाई ना किया जाए, उसका ऑप्शन वाई बाकी रहे, तो हम टेंडर नहीं भर सकते। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं कि पेमेंट को कैसे वेरीफाई किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ माई टेंडर्स में एक सिंगल क्लिक करता हूँ। उसके बाद जिस टेंडर का मुझे पेमेंट वेरीफाई करना है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो देखो यहाँ पे व्यू है, मैं यहाँ पर व्यू करता हूँ। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू बिडिंग का एक बटन मिलता है, उस पर एक सिंगल क्लिक करना होता है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर ये पेमेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी उसका ये ऑप्शन नहीं गया है। अगर ये ऑप्शन यहाँ रह जाता है, ये बटन यहाँ रह जाता है, तो हम टेंडर नहीं भर सकते। तो इसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। मैं पे ऑनलाइन बटन पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, उसे बैंक सबमिट। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन मिलता है पेमेंट वेरिफिकेशन। तो पेमेंट वेरिफिकेशन जो ये ऑप्शन है, इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, ये बटन नहीं है। अब हम इजीली टेंडर को सबमिट कर सकेंगे।